गोवा तृणमूल काँग्रेसीन जी गृहलक्ष्मी कार्ड योजना जी तातून गृहिणी गोयच्या महिन्याक 5,000 मेळटले ही जी कार्ड केल्या ताजे आमी तांकां आश्वासन दिलां आनी ही स्कीम ममता बॅनर्जी वेस्ट बेंगाला भितर करून सक्सेसफुली लॉन्च करून थंय 1.6 crore महिला हाचो लाभ घेता। सो म्हाका दिसता गोंयच्या बायलांनी मुखार सरपाक जाय कारण आज पयल्या म्हारगाय इतली व्हडली हें आसा, एक गृहिणीक जर घर चलयत जाल्यार खूब त्रास जाता। सो म्हाका दिसता की तृणमूल काँग्रेसीन जें आज बायलांचें हीत चिंतून जी आमची एक लिडर बायल जावन आसा ममता बॅनर्जी तिणें एक बायलां खातीर हीत चिंतून जी 5,000 जी महिलांक दिल्या आनी सगळ्यांक जी काम करता किंवा काम न करता अशें बायलांक सुद्दां तांणी दिल्या तातूंतल्यान म्हाका दिसता एक प्रत्येक बायलेक एक शक्ती मेळटली घर चलोवपाक आनी तांकां एक ताकत येतली। सो म्हाका दिसता सगळ्या बायलां कडेन एक आशय दिता उलो मारता की तांणी ही स्कीम आसा ती जाता तितली रजिस्टर करची। मनोहर पर्रीकरान ही स्कीम बायलां खातीर दिल्ली आनी खरें तरी योगदान आसलें बायलांक की आमी एक गरीब बायले पयलीं बँके मुखार रावताली की बाबा पयशे केन्ना येतले। ती स्कीम आनी तुमची ममता बॅनर्जीची स्कीम दोनी भितर डिफरंशिएट कितें आसा? मनोहर पर्रीकरान जी जाणटे बायलांक आनी जशी जी गृहिणीक जी स्कीम सुरू केल्ली तातूंत ताणी 1,000 दिताले, तशें जे विधवा बायलांक किंवां 60 वर्सांचे वयर जे बायलो आसा तांकां ते 2,000 दिताले। पूण ही जर तर स्कीम आज गोंयांत जर तर तुमी पळयतली जी स्कीम खरेंच आज गरिबाक जाका जाची गरज आसा ताका मेळपाक जाय ती स्कीम आज म्हणल्यार आज मेळुना। ताजी कितलीशीं आज उदाहरणां आज आमी जेन्ना डोर टू डोर वता तेन्ना आमकां कळटा लोकांचे फॉर्म भरून व्हेल्ले आसा पूण तांचे फॉर्म आज पास जावना। पण जांचे फॉर्म भरल्यात तांकां आज फक्त एक थंबोवपाचें काम जालां की हे फॉर्म जर तर तुमी दुसऱ्याक वोट केले किंवां आनी कितें केलें जाल्यार तुमची एक स्कीम रद्द जातली। सो म्हाका दिसता बीजेपीन जे महिला शक्ती म्हणून जे मुखार म्हणटात की महिला शक्तीचे नांवान एक बीजेपी महिलां भितर एक दडपण हाडपा खातीर ही स्कीम केल्या। ताजे विरुद्ध आमची जी स्कीम जी लॉन्च केल्या आमी ई रिस्पेक्ट एवरी हावज होल्ड जी गोंयांत 3.5 lakh हावज होल्ड प्रत्येक दारदारांनी आमी ह्या बायले म्हऱ्या पावयल्या। ताजो मुद्दो एकूच की सरकाराची जी येवजण आसा ती सरकारांतल्या प्रत्येक तळागळाक पावची। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दूर दूर से आप लोग आए। हिंदी सिंधी आप समझ लेते थोड़ा बहुत, हिंदी पिक्चर तो सब लोग देखते हैं, है ना। तो मैं ये कह, मेरा नाम सुष्मिता देव है, मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की एमपी हूँ, सांसद हूँ, और आप लोग हमारे लीडर को जानते हैं ममता दीदी, ममता बनर्जी। वो बंगाल में तीसरी बारी मुख्यमंत्री बनी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराने के बाद। तो अभी आपके आने से पहले मैं बाकी बहनों से यही कह रही थी कि यहाँ पर बहुत सारी समस्या है। नेत्रा मिल में इतना दूर जगह है, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक मेन रोड है पर गांव के अंदर कोई अच्छा रोड भी नहीं है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, महिला समितिज हैं, उनको अपना काम तो करती है, प्रोजेक्ट बनाती है, पर लोकल कोई बाजार नहीं है, कोई मार्केट नहीं है जहाँ पर देके जाके अपना सामान वो लोग बेचेंगे। इसलिए महिलाओं को बहुत तकलीफ है। और मेरा मानना है कि एक लोकल मार्केट और गांव का रोड बनाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं होती, आपके लोकल एमएलए ये बना सकते थे। और आपके लोकल एमएलए ने ये सब काम नहीं किया, पर तृणमूल कांग्रेस की जब एमएलए बनेंगे हम आपको इश्योर करते हैं एटलीस्ट लोकल मार्केट हम बनाएंगे। और जो विलेज में रोड्स हैं, मुझे राखी जी बता रहे थे जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है, गर्भवती महिलाएं, जब उन सड़कों से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कईयों का मिसकैरेज भी होता है। तो ऐसा अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में इन समस्याओं का समाधान करना जरूरी है और हम जरूर करेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पर कम से कम बहुत सारी महिलाएं आई हुई है, तो किस किस के पास नौकरी है, किसी के पास है नौकरी है, हाथ ऊपर के लिए जॉब किसके पास है, किसी के पास जॉब है इधर, नौकरी है सर, किसी के पास जॉब नहीं है। अब आप एक चीज समझिए कि जिसके पास जॉब नहीं है, जो महिला घर में रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, घर की लक्ष्मी बोलते हैं, है ना, गृहलक्ष्मी। तो एक महिला पहले सुबह उठती है, सुबह सुबह उठने के बाद
बच्चों को उठाती है, फिर हस्बैंड पति को खाना खिलाओ, बच्चों को नहलाओ, है कि नहीं, ठीक बोल रही हो कि नहीं, फिर घर का सारा काम करो, खाना भी कईयों को बनाना पड़ता है ना, सब लोगों के पास घर में काम करने वाला नहीं होता, पर खाना बनाओ, फिर शाम को जब पति आएंगे, बच्चे स्कूल से आएंगे, उनका भी फिर ध्यान रखना पड़ता है, उनका भी फिर ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सुबह 6 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक जो घर की लक्ष्मी काम करती है, कोई पार्टी या कोई सरकार आपको कुछ देता है क्या? देता है कोई सरकार घर की लक्ष्मी को कुछ देता है क्या? सुना है आप लोगों ने, घर में सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ काम करते हैं, मेहनत तो उनको करनी पड़ती है, पर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पार्टी उनको एक पैसा नहीं देती। पर ममता बनर्जी जी ने वेस्ट बंगाल में एक स्कीम चालू किया कि घर की लक्ष्मी को हर महीने में हर परिवार की एक महिला को 5,000 रुपए महीने दे रहे। तो इसी को हम गोवा में शुरू करना चाहते हैं। गोवा में उस स्कीम का नाम होगा गृहलक्ष्मी। मैं आप सबको एक एक दूंगी जरूर। ये गृहलक्ष्मी का कार्ड है, पीछे इसके कैलेंडर भी है, आप लोग रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि गोवा में जो महिलाएं काम करती हो या जो नहीं काम करती हो, नौकरी हो या ना हो, घर की लक्ष्मी को महीने में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की सरकार जब बनेगी, हम आपको कम से कम महीने में 5,000 रुपए हर महिलाओं को देंगे। क्यों देंगे? देखिए, पैसा बड़ी बात नहीं होता है, पर महिलाएं आज जो घर में है या जो नौकरी भी कर रही है, उनके हाथ में अगर महीने में 5,000 रुपए जाएगा, तो हमारा मानना है कि वो 5,000 रुपए सबके काम आएगा। आप लोग बताइए, आज गैस सिलेंडर का कितना दाम है गोवा में? कितना है आज तक गैस सिलेंडर का दाम? मुझे कोई बताया था 915 रुपए का है गोवा में। एक आज गैस सिलेंडर का दाम 915 रुपए है। इसके अलावा हर चीज में आज महंगाई बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? बहुत हुई महंगाई की बात अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो और भी महंगाई बढ़ गई है। गैस का दाम 1,000 रुपए, आप देखिए जिस तेल से हम खाना बनाते हैं उसका दाम बढ़ गया, नमक का दाम बढ़ गया, दवाई का दाम बढ़ गया, हर चीज का दाम बढ़ गया। डीजल पेट्रोल का दाम 100 रुपया से ज्यादा हो गया, और डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से आपको पता है हर चीज का दाम बढ़ जाता है। तो ये जो गृहलक्ष्मी का कार्ड है, जो महीने में 5,000 रुपए हम घर की हर एक महिला को देंगे, चाहे उसके पास नौकरी हो चाहे नहीं हो, सबका सबको ये अप्लाई कर सकते हैं, उससे महंगाई के वक्त में आप लोगों को मदद हो। इस कार्ड का नाम गृहलक्ष्मी कार्ड है। हमने सारी गोवा में घर घर जाके हमने ये कार्ड इशू किया। और देखिए, मोदी जी बहुत, बीजेपी बहुत झूठ बोलती है। वो इलेक्शन से पहले कहते हैं हम आपको सब कुछ दे देंगे, इलेक्शन के बाद वो कुछ नहीं करते। मैंने देखा जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत, वो उस दिन टेलीविजन में बोल रहे थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से होगी तो 30,000 नौकरी देंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं, लास्ट 5 ईयर 30,000 नौकरी आपने क्यों नहीं दिए? गोवा के बच्चों को, गोवा के जो ग्रेजुएट है, जो हायर सेकेंडरी पास करते हैं, आपने उनको नौकरी नहीं दी। अब आप बोल रहे हैं इलेक्शन से एक महीना पहले कि आप 30,000 जॉब्स देंगे, पर हमने जो बंगाल में किया है वो हम गोवा में करने जा रहे हैं। ये हमारी युवा शक्ति स्कीम है। तो युवा शक्ति स्कीम क्या है? अगर आपके घर में 18 साल से लेकर 45 ईयर्स 45 साल तक की कोई लड़की या लड़का है, उसको हम 10,00,000 रुपए का लोन देंगे और उस पे सिर्फ 4% सूद, मतलब 20,00,000 रुपए पे 20,00,000 रुपए पे आपको 8,000 रुपए देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो
ये हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि गोवा में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मुझे राखी जी बता रहे थे, यहाँ के लोकल लीडर्स बता रहे थे कि शेंगे में माइनिंग होता था पहले, तो माइनिंग का जब माइनिंग बंद हो गया तो बहुत लोगों के पास नौकरी नहीं है, कोई ट्रक चलाता था, कोई माइन में कुछ सप्लाई करता था, तो सबका काम खत्म हो गया। पर ये 10 लाख रुपए लोन से आपके बच्चे इंजीनियरिंग भी पढ़ सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं हायर सेकेंडरी के बाद, और अगर किसी को पढ़ना ना हो, किसी को एक दुकान खोलना हो, किसी को कोई बिजनेस करना हो, तो वो भी ये 20 लाख रुपए से कर सकते हैं। और हमने ऐसा 10 लाख रुपए का लोन वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने दिया हो, इसे हम झूठ भी बोल रहे जो हम बोलेंगे हम करेंगे। ठीक है, आज अगर एक गोवा का लड़का या यंग लड़की एक बिजनेस चालू करेगी या करेगा 10 लाख या 20 लाख रुपए लेकर, तो वो भी तो 5 और लोगों को नौकरी देगा अपने बिजनेस में, तो खुद तो रोजगार करेगा, उसके अलावा वो 5, 6, 10 लोगों को और नौकरी देगा। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें करने के लिए, इन सब चीजें करने के लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को आप लोग सपोर्ट करें। और हमारा आपसे वादा है कि हम यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं गोवा में लड़ने? ये बीजेपी जो झूठी सरकार है, ये बीजेपी जो धर्म से धर्म को लड़ाती है, जो अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के बीच में वो झगड़ा बढ़ाती है, विभाजन की राजनीति करती है, ऐसे पार्टी को हटाने के लिए, हराने के लिए ममता दीदी आज गोवा में आई। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ रहें, और कांग्रेस पार्टी यहाँ के जो विधायक है प्रसाद गांवकर जी, वो अभी कांग्रेस में चले गए। आपको पता है आप लोगों को वो क्यों कांग्रेस में गए हैं? क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल कोई काम नहीं किया, अगर किया होगा मुझे नहीं पता, अब तक मुझे जो मिले वो कहते एमएलए तो दिखते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो कांग्रेस में गए, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ के उनको वोट नहीं डालना चाहते। तो ऐसे एक विधायक को आप लोग सिलेक्शन करें जब जो तृणमूल कांग्रेस के साथ है, तृणमूल कांग्रेस का सिंबल जिसके पास है, और तृणमूल कांग्रेस की सरकार आएगी हम गृहलक्ष्मी का काम करेंगे और युवा शक्ति वाला हम काम करेंगे। तो मैं आप सबके हाथ में एक एक कार्ड देना चाहती हूँ, आप बांट दो, किसी को बोल आप बांट दीजिए, आप लोग ये कार्ड रखिए, और दिस इज अ वन कार्ड ना, शुड वी गेट 1 पर्सन टू जस्ट टेक अ पिक्चर? और ये जो 20 लाख वाला लोन वाला है वो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके घर में 18 साल से 35 साल के कोई बच्चे हैं तो उनको ये जरूर एक दीजिएगा। धन्यवाद। एक मैं चाहूंगी ये कार्ड हाथ में लेके हम एक फोटो खींचे ताकि पूरी गोवा देख सके कि यहाँ की महिलाएं किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के सभा में गृहलक्ष्मी का कार्ड और युवा शक्ति वाला आपको मिला है। और आप बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर में हैं, आज मीटिंग में नहीं आए, उनको भी प्लीज आप लोग ये जरूर दिखाना और समझाना कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये जरूर काम करेंगे महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। वैली में जो इतना रिमोट एरिया है, और हर महिला का यही कहना है कि यहाँ ना चिकित्सा की सुविधा है, ना अंदर गांव में कोई सड़कें हैं,
जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं होती है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती, उनका मिसकैरेज होता है। और सबसे बड़ी बात है जो महिला समिति की महिलाएं हैं वो अपना एसएचजी ग्रुप के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है उसके लिए कोई लोकल मार्केट नहीं है। हमने महिलाओं को कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के जो एमएलए होंगे वो इनसे मिलकर काम करेंगे, इनके हित में काम करेंगे, इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और तृणमूल कांग्रेस ने जो गृहलक्ष्मी का स्कीम दिया है जो हर घर में महिला को 5,000 रुपये महीने, मेरा ये विश्वास है कि महंगाई के ज़माने में जो मोदी सरकार ने महंगाई की मार महिलाओं के बजट पे दिया है उनका ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ मदद होगी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा इन महिलाओं से मिलकर। और मेरा मानना है महिलाएं जब किसी पार्टी को पार्टी के साथ रहती है उसी पार्टी की सरकार बनती है, और ममता बनर्जी भी महिला है, ये सारी महिलाएं हैं और तृणमूल कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। मैडम आज सांगेम का दौरा किया, उसमें प्रोग्राम तो थोड़ा कम थे लेकिन जिस तरफ से लोगों से बातचीत हुई, अब पृष्ठ मिले, मंदिर में गए, बाद में रिवाना में गए, नेत्रावली में, कैसा एटमोस्फियर है? देखिए सांगेम में लोग परिवर्तन चाहते हैं, जिनको उन्होंने एमएलए बनाया था उन्होंने कुछ काम नहीं किया, 5 ईयर्स कुछ काम नहीं किया, अभी उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया है क्योंकि उनको मालूम है वो इंडिपेंडेंट एमएलए के हिसाब से वो लोगों के पास वापस नहीं जा सकते वोट के लिए। पर लोग यहाँ परिवर्तन चाहते हैं, वो परिवर्तन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लाएगी। और कांग्रेस पार्टी को वोट देना बेकार है क्योंकि जीतने के बाद एमएलए कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं, पर जहाँ पर ममता बनर्जी जैसे एक वरिष्ठ और शक्तिशाली लीडर है, हमारे एमएलए तृणमूल में हैं और रहेंगे। थैंक यू।